पढ़ाई कैसे करें, यह क्वेश्चन मुझसे हमेशा एक दोस्त हमेशा पूछता रहता था कि हम पढ़ाई कैसे करें। और मैं उससे कहता हूँ कि तुम तो हमेशा यूट्यूब देखते हो यार, तभी भी तुम्हें पढ़ाई कैसे करें ये पॉइंट को तुम्हें मिल ही नहीं रहा तुम्हें। तो कहता है कि नहीं, मैं कितना भी सर्च करूं कि पढ़ाई कैसे होता है वो नहीं मिलता है, उसके बजाय मिलता है कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, क्या पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाए, ये तो पॉइंट से आगे वाला पॉइंट है, क्योंकि मैं तो कॉलेज स्टाफ पर हूँ, मुझे तो पता है कि क्या होता है। मैं पहले भी कॉलेज स्टाफ किया हूँ, 80% है और इस टाइम 83% है, तो मुझे पता है कि कॉलेज टॉपर या पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए, तो ये सब कुछ मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाने की सोची, और जब वीडियो मैंने बनाया तो मैंने एक चैनल भी बना लिया, ओम नमः शिवाय लाइफ केयर। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करिए, और पास में एक बेल आइकन वाली आएगी उसे भी क्लिक कीजिए, अर्थात घंटी वाली बटन उसे भी क्लिक कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने इसमें देखा भी कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, संदीप महेश्वरी, टेक्निकल गुरुजी और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पॉइंट को बनाने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग ऐसी लाइफ में नहीं जीते हैं जो स्टूडेंट लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ में जो लोग जीते हैं वही लोग बता पाएंगे कि कैसे लोग ध्यान लगा सके, कैसे बच्चे पढ़ाई कर सके, कोई भी हो किसी भी एज में पढ़ाई कैसे करे। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक सुझाव आया कि चलो अब उसको भी बता दो। तो मैंने उसको बता दिया तो वो तो संतुष्ट हो गया। तो हम कहें तब तो ये लाखों लोग तो YouTube पर सर्च करते हैं। तब तक मैंने उसके नीचे वीडियो के नीचे देखा कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, वो सब वीडियो संदीप महेश्वरी की मिलियन तक लोग देखे, 1.3 मिलियन, और सारे यूट्यूबर्स की देखे हैं 1 मिलियन, करोड़ों में देखे हैं। तो मुझे सोचकर हंसी आई कि सोचो लोग जो क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं उन क्वेश्चन का आंसर उनको मिलता ही नहीं है। तो मैंने यह वीडियो बनाया है। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का ये मेरा फर्स्ट लेसन है, मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि पढ़ाई कैसे करें यह पॉइंट बहुत बड़ा है, कोई छोटा नाम मात्र सा नहीं है। इसमें जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट का भी ब्रॉड रूप है, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं करना चाहता। तो पॉइंट फर्स्ट है दिमाग शांत करके जब भी पढ़ो एकदम दिमाग शांत कर, एकदम कंसर्टेंट, जैसे जो चीज पढ़ रहे हो एकदम दिमाग में जाए, थोड़ा भी इधर उधर ना हो। जिस पॉइंट को आप देख रहे हो उस पॉइंट ही, वो पॉइंट ही आपके दिमाग में हो, अर्थात पहली पॉइंट सबसे होनी चाहिए आपको बको ध्यान, बकुली की तरह ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आप कहोगे कि बको ध्यान हम जानते हैं ही है। लेकिन हम बको ध्यान हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हाँ एक तालाब है उसके पास मछली है आप बैठ कर तुम देखते रहो, नहीं। अब जो किताब आपके सामने है उसमें जो लिखा है उसको आपको देखने से क्या फायदा, उसे पढ़िए, पढ़कर समझिए कि उसके अंदर है क्या। क्या मैंने क्या बोला, उसके अंदर है क्या, उस पॉइंट को आप समझिए। और यह कब समझ आएगा, जब आपका दिमाग शांत रहेगा तब। ये पॉइंट फर्स्ट है। सेकेंड पॉइंट है अपने आप को क्लास में देखो। क्लास में जब भी पढ़ रहे हो तो आपके जरूर है आपके सहपाठी और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपसे आगे होंगे आपसे पीछे होंगे, उन सभी लोगों को देखो कि हाँ उनमें मैं कैसा हूँ, पढ़ने में कैसा हूँ। अगर खराब हो मतलब लूज हूँ, कमजोर हूँ, तो आप पढ़ो, सोचो कि हम उससे क्यों कमजोर हैं। हम इस पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में रखो, उस स्टूडेंट से मैं पीछे क्यों, किस कारण, किस वजह से मैं, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो, ठीक। तो थर्ड पॉइंट है कि टॉप 10 में आने की इच्छा रखिए।
क्या, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे टॉप 10 करना है, क्लास में टॉप 10 करना है। अगर ये अगर तुम्हारे अंदर रहेगी इच्छा, तब तुम पढ़ाई कर पाओगे, नहीं तो पढ़ाई तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, अब पॉइंट 4 है। तो पॉइंट 4 से बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैं तीनों पॉइंट बताया है और एक चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंटों का भी लेसन है। मैं इन पॉइंटों का एक एक लेसन, मतलब दिमाग शांत कैसे करें, दिमाग शांत करके पढ़ाई कैसे करें, इस पॉइंट को भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर इस सेकेंड पॉइंट को भी अपने आप क्लास में देखूं, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपने आप को क्लास में कैसे देख पाओगे, कि हाँ मैं कैसे किस तरह करके आगे बढ़ूँ। तो और दिमाग शांत करके, मतलब दिमाग कैसे शांत करें, मतलब हमेशा सोच, जैसे पढ़ने बैठो तो इधर उधर की अफवाहें और हर एक बातें अपने दिमाग में आती रहती है, उन पॉइंटों को शांत करके आप कैसे पढ़ो, और टॉप 10 में आने की इच्छा यह कैसे अपने दिमाग में रखनी चाहिए, किस प्रेरित और किस वजह से रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, इस पॉइंट को भी मैं विस्तार करूँ। और ये है पॉइंट 4, क्या रात में सोने से पहले ध्यान करो कि हमने आज क्या पढ़ा है, क्या ध्यान करो कि आज हमने पूरी दिन में क्या पढ़ा है। अगर इन पॉइंटों को अगर आपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखा रात को सोने से पहले, आगे ध्यान है कि रात को जब आप सोते हो तो सोने के बाद अंतः माइंड यानी सब कॉन्शियस माइंड, जिसे सभी लोग यूट्यूबर सभी इंग्लिश से बताते हैं, अंतः माइंड काम करता है। उसी टाइम अगर रात में सोने से पहले अगर ध्यान कर लो कि हाँ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, तो वो पॉइंट हमेशा आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, क्या फिक्स हो जाती है, और वो जिंदगी में कभी नहीं भूलती। तो ये बात हमेशा ध्यान रखे रहना। तो इस पॉइंट का भी विस्तार है कि रात में सोने से पहले आगे हम ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम, मैं एक कॉलेज टॉपर हूँ और मैं अपनी अपनी बात आपको दिल से शेयर कर रहा हूँ, दिल से। अगर आपको इन सभी, जैसे दिमाग शांत करे कैसे करे, क्लास में कैसे देखे, टॉप 10 करने की इच्छा और रात को सोने से पहले, अगर इन इन पॉइंटों को भी अगर आपको देखना है, जानना है कि मैं कैसे करूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाली बटन को क्लिक करिएगा, जिससे जो मैं वीडियो, अगर घंटी वाली बटन क्लिक करेंगे तभी जाकर मेरी जो वीडियो आएंगी वो आपको मिलेंगी, तुरंत तुरंत मिलेंगे। और उन वीडियो को आप देख कर अपने क्या करोगे, कॉलेज टॉपर भी बन जाओगे, पढ़ाई में एक्सलेंट भी बढ़ जाओगे, सर भी कहेंगे, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो भी कहेंगे कि हाँ यह बच्चा पहले कमजोर था, अब पढ़ने में बहुत तेज हो गया है, वेरी एक्सलेंट। ओके, मैं संदीप महेश्वरी से भी बढ़िया बता सकता हूँ। तो अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर शेयर नहीं करेंगे ना तो पता है क्या होगा कि आपकी एजुकेशन आपके पास ही रह जाओगे, क्योंकि मान चलिए कि आप तो एज पर 18 वर्ष हो गए, अब मतलब आपकी जब एजुकेशन लेवल आप समाप्त हो गए तो आप अब क्या करोगे, अपने छोटे स्टूडेंटों को दोगे ना, जैसे आपके छोटे स्टूडेंट्स उनको वीडियो शेयर कीजिए, जरूरी नहीं कि क्लासमेट को शेयर कीजिए, अपने छोटे छोटे स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ाई में प्रेरित हो और पढ़ाई करने में एकदम सक्षम, एकदम भाई क्या दिवाल होता है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों।